the Institute of Cost Accounts of India, North India region के काउंसिल में आज इस उत्तर भारत क्षेत्रीय सम्मेलन में आप देश और राष्ट्र की सेवा के निर्माण के लिए अपना योगदान देने के लिए इस संकल्प के साथ कि 2047 के अंदर हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मैं आपके संकल्प के लिए, आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए, राष्ट्र के निर्माण में इस योगदान के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आपने विषय रखा है चर्चा के लिए कि राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान, और आज इस सारे देश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बना है कि हम किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हम काम कर रहे हैं हमारा योगदान क्या हो सकता है। ये विचार, ये लोगों का संकल्प, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये मनोभाव आने वाले समय के अंदर भारत के विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेगा। और इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया तो हमारे मित्तल साहब हमारे बहुत नजदीक व्यक्ति हैं, इनका बहुत आग्रह था लंबे समय से। एसएन मित्तल साहब, राकेश यादव जी, संतोष पंत जी, एम के आनंद साहब ने सारे विषयों को रखा। मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो सारे विषयों को लेकर मेरे पास आए। नवनीत कुमार जैन जी, आर एस भाटी जी, कई संस्थाओं के वित्त निदेशक श्री आर पी गोयल जी, संजय जिंदल जी, बी के सोके, अनु कुकरेजा जी, परमानंद गोयल जी, सभी विद्यार्थी साथियों, हम इस आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस 75 वर्ष के बाद हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब देशवासी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और जिस तरीके से आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, प्रौद्योगिक और तकनीकी के अंदर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नौजवानों की ऊर्जा, सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका संकल्प भारत को आगे ले जा रहा है, और दुनिया के अंदर भारत आज नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपने अपने योगदान से, अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से किस तरीके से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। युवा साथियों, जब आप यहां से निकलेंगे तो आप अपना खुद का व्यापार, उद्योग, सर्विस सेक्टर शुरू करेंगे, कई कंपनियों में काम करेंगे, कई सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं में काम करेंगे,
और किस तरीके से अपने सर्वश्रेष्ठ पेशेवर के माध्यम से उस संस्था के अंदर एक उचित प्रबंध की दिशा निर्देश तय करेंगे, और इसीलिए आपका कुशल वित्तीय प्रबंध, आपकी लागत से लेकर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ, और उसके साथ हम दुनिया के प्रतिस्पर्धी दुनिया के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धी होते हुए मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा कर एक बेस्ट प्रोडक्टिविटी भी लाने का काम करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करने का भी काम करेंगे, प्रोडक्ट को बेहतरीन करने के लिए भी कार्य योजना बनाएंगे, और दुनिया के बाजारों से हमारा माल या वस्तु को हम बेहतर तरीके से मार्केट कर सके उसके लिए भी काम करेंगे। आप वित्तीय सेवा के अंदर बहुत सारे काम आपकी जिम्मेदारी में है। अभी मुझे बता रहे कि बजट से लेकर कॉस्ट को लेकर, लागत से लेकर और मशीनों की एफिशिएंसी से लेकर, मानव संसाधन की एफिशिएंसी से लेकर तमाम बहुआयामी काम आपकी जिम्मेदारी पर है, और इसीलिए जो जिम्मेदारी आप पर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपकी जिम्मेदारी से हम देश के नव निर्माण की ओर तो आगे बढ़ेंगे सही, लेकिन दुनिया के अंदर हम बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर भी मजबूती से खड़े होंगे, और इसीलिए जब भारत आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, दुनिया की अधिकतम कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसका कारण बहुत सारा है। हमारा मानव संसाधन जो आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका इनोवेशन, उनका चिंतन और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और इसीलिए कम समय के अंदर हमने देश के अंदर हमारे इन्हीं नौजवानों ने बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर कई हमने स्टार्टअप बनाए, और आज दुनिया के अंदर स्टार्टअप के माध्यम से हम आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़े योगदान देने वाले देश बने हैं। कोई जमाने में स्टार्टअप कोई जानता नहीं था, एक समय था, लेकिन हमारे इन्हीं नौजवानों ने नए इनोवेशन करके, नए रिसर्च कर, नए अनुसंधान कर, जहां समाज के लोगों को चाहे सेवाएं हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे नए इनोवेशन हो, हर सेक्टर के अंदर एक नया इनोवेशन कर जिंदगियों को सरल बेहतर बनाना, सुविधाजनक बनाना, और अच्छे प्रोडक्ट और उसकी कॉस्ट कम लाकर आपने एक नई आर्थिक दुनिया भारत के माध्यम से विश्व को दी, और आज इसलिए किसी जमाने में एक स्टार्टअप नहीं हुआ करते थे, आज 1,15,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, ये भारत की ताकत है, और दुनिया के अंदर कोई भी चुनौतियां हो, हर चुनौतियों का समाधान भारत से निकल रहा है, यह हमारी ताकत बड़ी है। वैश्विक चुनौतियां जो दुनिया की चुनौतियां हैं, उसकी चुनौतियों का समाधान भी निकाल रहे हैं, उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, यह भी हमारी ताकत है। आप जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत कितनी तेजी से अब दिशा की ओर बढ़ रहा है,
कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर के अंदर भारत की गति तेज ना हो। अभी G20 हुआ था, G20 के अंदर जिस तरीके से वैश्विक मंच पर हमने पूरे विश्व को दिशा दी, हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। हमने कहा कि दुनिया के अंदर अगर हमें सबको आगे बढ़ना है तो एक कुटुंबकम की भूमिका से साफ काम करना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा, आपसी सहयोग से काम करना होगा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान मिलकर निकालना होगा। और दुनिया के अंदर विकसित देश उस G20 के अंदर थे, उन्होंने भारत के एजेंडे को माना और भारत ने उस एजेंडे के माध्यम से दुनिया में बदलाव की एक नई दिशा देने का काम। यह भारत की ताकत बढ़ी है। कोई समय था जब कोई भी वैश्विक एजेंडा विकसित देश तय करते थे, आज हमारी ताकत इतनी है कि दुनिया का हर वैश्विक एजेंडा भारत तय करता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे क्लाइमेट चेंज का विषय हो, चाहे ग्रीन क्लीन एनर्जी का विषय हो। दुनिया की जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का नेतृत्व, समाधान का नेतृत्व भी भारत कर रहा है। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी इस समय ज्यादा बढ़ जाती है कि हम चाहे सेवा हो चाहे निर्माण के क्षेत्र में हो, जब हमें दुनिया से प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमारी सेवाएं सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, उसकी लागत कम होनी चाहिए और बेहतर सेवाएं होनी चाहिए। हम इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर चल जाएं तो हमारी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी बेटर हो और उत्पादन अधिक हो, ताकि हम दुनिया के प्रतिस्पर्धी बाजार से टिक सके। यह आपकी जिम्मेदारी है। एक बजट एस्टिमेट बनाते हुए कोई इंडस्ट्रीज को लगाने से लेकर उसका पूरा प्लान बनाना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नए नए रिसर्च करना, नई सोच करना, नए चिंतन करना, क्योंकि अगर हमें हमारे इन सोर्सों का उपयोग कर कम लागत पर अधिक उत्पादन, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाना हम सबका जिम्मेदारी है और यही दायित्व आपको समाज ने दिया है। और अगर हमने ये काम ठीक से कर लिया तो दुनिया में हमारे पास जो ताकत है, दुनिया में किसी देश के पास ताकत है। और इसीलिए हमारा हर नौजवान बौद्धिक क्षमता से, नए इनोवेशन से, दक्षता से आगे बढ़े। दुनिया के अंदर कहां मानव संसाधन बचा है? हमारा नौजवान आज दुनिया के अंदर उन देशों को नेतृत्व दे रहा है जी। आप दुनिया के कितने विकसित देश चले जाएं, उस विकसित देश के अंदर तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टर हो, सीए हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, वो कौन है? भारत के हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भारत के सीईओ हैं। क्यों है? हमारी ताकत है। और इसीलिए हम अगर एक दिशा की ओर, जो आपकी जिम्मेदारी है कि हम लागत को कम कर उत्पादन को बढ़ाना, हमारी मशीनों से सहित हमारे मानव संसाधन की एफिशिएंसी को बढ़ाना, तो दुनिया में हमसे कोई टिक नहीं पाएगा। यही हमारी ताकत को बढ़ाना है। और ये ताकत दुनिया में बढ़ गई तो कोई समय था कि दुनिया का बाजार केवल भारत हुआ करता था, हम केवल बाजार तक सीमित थे। आज दुनिया की सारी कंपनियां भी भारत में है और भारत अपने हर प्रोडक्शन के अंदर हर क्वालिटी का बेहतरीन काम। और दुनिया के अंदर आप चले जाए, अफ्रीका देशों के अंदर जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हमें भारत की दवा चाहिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भारत की क्वालिटी, लागत कम, ये हमारी ताकत है। आने वाले समय के अंदर हर वस्तु के अंदर, हर सेवाओं के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट सेल्स
लागत कम उत्पादन ज्यादा, इसके लिए आपको ही कार्य योजना बनानी आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक खेत किसान के अंदर उस जितनी बीघा जमीन है उसमें ज्यादा उत्पादन कर दे, बेस्ट क्वालिटी का उत्पादन कर दे, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। एक इंडस्ट्रीज के अंदर हम लागत को कम कर दें, क्वालिटी को बेटर कर दें, एफिशिएंसी को बढ़ा दें, तो हम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अब भारत दुनिया का बाजार नहीं होगा, दुनिया का अंदर भारत का मेड इन प्रोडक्ट दुनिया के अंदर चलेगा, ये आपको करने के प्रयास करेंगे। हम हमारे देश में हमारे उत्पादन से हमारे बाजार की पूर्ति तो करेंगे सही, लेकिन हम दुनिया के बाजार की पूर्ति भी भारत करेगा, इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और ये सामर्थ्य आप में है, मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप नए जीवन के नए कार्य के लिए देश सेवा राष्ट्र के सेवा के लिए आप निकलेंगे और राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका, ये आपका संकल्प है, ये विचार है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से भारत के अंदर हर व्यक्ति, अगर राष्ट्र निर्माण में मेरा क्या योगदान हो सकता है, 140 करोड़ लोग अगर देश एक साथ मिलकर काम करेंगे तो दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर भी और विकसित भारत बनाने में भी हम सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।